पेशेंट आपके पास आता है ना, तो सबसे पहले आपका एक कनेक्शन डेवलप होता है पेशेंट के साथ. बहुत सारे लोग जो हैं अगर कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाते, तो चाहे वो बहुत मास्टर्स हों किसी चीज के अंदर, पेशेंट आपका आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं होगा और शिफा भी नहीं उसको मिलती, क्योंकि वो आपके साथ वो कनेक्शन ही डेवलप नहीं कर पा रहा. बाज वक्त जो है वो लोग अपना मुंह खोल के दिखाने के लिए, वो आप बाहर से देखें तो मतलब दे आर वेरी टिप टू टो, वो बड़ा मतलब ब्रांडेड होते हैं, लेकिन मुंह के अंदर के हालात जो होते हैं ना वो ऐसे ही है कि वो छुपा के रखना चाहते हैं और वो हर एक को नहीं बताना चाहते कि मतलब व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. हमारे यहाँ जैसे प्रैक्टिस में लोग आते हैं, बाज वक्त हम डायग्नोज कर रहे होते हैं कि भाई आपको डायबिटीज है या आपको कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम है या आपको एसिडिटी है, और पेशेंट उस चीज को मतलब सालों से बेयर कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता. तो जब आप एक दफा पेशेंट को अपने साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर वो कंफर्टेबल होते हैं आपके साथ बात करने के लिए. माशाल्लाह वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अपने घर की भी बात करते हैं. एक बड़ा फैमिली वाला एनवायरमेंट है हमारे पास यहाँ अल खलीज में माशाल्लाह, और एक सूदिंग सा एनवायरमेंट है कि पेशेंट आके यहाँ रिलैक्स होता है, आराम से जो है वो बैठ के अपना टाइम गुजारता है, और हमारे यहाँ से पेशेंट को रश करने की भी जरूरत नहीं होती. कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम पेशेंट को कह रहे होते हैं कि यार प्लीज जाओ यार, मतलब हमें दूसरे को भी देखना है.